और फिर भी पता है, आई थिंक वहां पे अश्वत्थामा भी मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा उनका, और वो चीथड़ उड़ा देंगे भुज्जी के जो भी पूरा फॉर्म होगा। और फिर एक सीन नहीं था प्रभास एकदम जमीन पे गिरा हुआ और उसके बाल खुल के उसके सामने आंखों के आगे सामने आगे। है, तो मतलब वहां पे भी अश्वत्थामा ने ले ली पूरी। हाँ। तो भाई अश्वत्थामा तुम समझ रहे हो, मतलब वो सामने वाला बंद, वो महाभारत का शॉट याद करो हाँ भाई। भाई वो जब वो सामने वाला मारा उसको, तो वो जाके टकराया उतने सारे लोगों से, और वो हाथी ने पूरा उसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब किया, हाथी भी पीछे चला गया। इवन आफ्टर दैट ही इज स्टिल अलाइव, ही इज गुड, ही इज फाइटिंग। बताओ, तो तब तक कितनी ताकत तब होगी तक उसके तो वो पास। कर्ज भी नहीं मिला हुआ था ना कि तुम इमॉर्टल हो हाँ या नहीं मरोगे, ऐसा जो भी मर सकते थे ऐसे। तो यही वो एक रिस्क हो गया कि तुम पास्ट में दिखा रहे हो कि दिस कैरेक्टर वो सो स्ट्रांग, फिर अगर प्रेजेंट में लाके तुमने उनको नर्व कर दिया तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। नहीं नहीं भाई यार, बट नहीं किया उन्होंने, लग रहा है वो जो भी हथियार वगैरह थे वो तो नहीं उनके पास, तो वो एक डेफिनेटली कम हुआ है। बट जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ है, सोचो अभी इसके ऊपर अश्वत्थामा वो को, ऐसे सोचो दो यू पकड़ ले रहे हैं उनको उनको उसके। अपनी वो स्टाफ के बदले कोई एक्चुअल हथियार दे दो अश्वत्थामा को इसमें, तब तो और हाँ भी अब मैं भाई। बस मतलब अभी तो फिर पिक्चर शुरू ही क्यों कर रहे हो तुम, वही पिक्चर चालू ही क्यों कर रही है। भाई यार वो सिर्फ वो भैरवा उसको इसीलिए टक्कर दे रहा है क्योंकि उसके पास उसका पूरा सूट और गैजेट्स वगैरह सारा है। है। हाँ हाँ, यू टेक ऑल ऑफ दैट अवे तो मतलब ही इज तीन जस्ट अ हजार नॉर्मल ह्यूमन साल या बीइंग। जितने भी थे, 6,000 साल की टेक्नोलॉजी हाँ प्रोग्रेस, वो पहन के फिर जाके ही इज लाइक बेयरली कीपिंग अप। या तो उन्होंने यहाँ पे भी बहुत स्मार्ट खेला ना कि मतलब अब वो उसको कोई सुपर पावर अभी तो नहीं दे नहीं सकते, नहीं राइट? अगर आगे जाके देंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं थे क्योंकि इस देखो इस यूनिवर्स में ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही करती हैं, हैं। तो वो आगे जाके उसको ऐसे सुपर पावर नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, उसको कोई वरदान दे दिया या कोई किसी चिरंजीवी ने उसको कुछ 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 भी चीजें मिली उसको, जैसे हो सकता है हर एक चिरंजीवी उसको कुछ ना कुछ अलग अलग पावर दे, तो ऐसे करके उसको मिलेगी, लेकिन फिलहाल उसके पास कुछ नहीं है। तो हाउ डू यू मेक हिम पावरफुल इनफ कि वो अश्वत्थामा के साथ वन ऑन वन फाइट सर्वाइव कर पाए, तो ऐसे ही वो कर तो देखने सकता को है। मिल रहा है, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी है वो पूरा फुल थ्रॉटल पे लेकर जा रहा है कि रोकने रोकने टेक्नोलॉजी खुद फुल। की, मतलब खुद का जो हो गया दिमाग, फिर सूट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद बुज्जी जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद पूरी व्हीकल लगा के भी वो बिट रहा है, फिर भी ही इज लाइक नॉट एबल टू डिफीट हिम। तो ये वो पावर स्केल उन्होंने सही मेंटेन किया, ऐसा ट्रेलर से तो भाई भाई अंदाजा लग रहा प्रोपोर्शंस भी बहुत सही किए हुए हैं, मतलब है। लगता नहीं कि अश्वत्थामा आउट ऑफ फ्रेम है, फ्रेम से बाहर के वो वही साइज है। वो हाथ वाला सीन भी पूरा परफेक्ट लगता है कि वो पैर उतना छोटा है हाथ उतना बड़ा है, मतलब पूरे प्रोपोर्शंस का बहुत ख्याल रखा है, जो चीज आदि पुरुष नहीं कर पाई। कांटेक्ट देखने पे यार लग रहा था कितना फेक लग रहा है, लेकिन इधर तो मतलब मैं अंतर नहीं बता पा रहा हूँ, इतना अच्छा इसका CGI VFX है। और भाई पता है, यही हो गया हाँ कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सब्सटेंशियल होगा पिक्चर में, हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए नहीं होगा, और तुमको ऑलमोस्ट हर एक शॉट में तुमको उनको इनलार्ज करना ही है, दिखा रहे हो तो फिर अनलेस वो एक इंडिविजुअल शॉट है, अगर कोई दूसरा है तो इनलार्ज करना है, तो वहां पे तुम्हारा काम बढ़ गया हर एक शॉट के हाँ अंदर। और वो भी मतलब बट कोई सीन खराब नहीं लगता, कोई भी मैं डिफरेंस नहीं बता पाता भाई नहीं कि नहीं यहां पे अलग से का ऐड किया हुआ उन्होंने। और तुम ये सोचो ना कि मतलब वो कितना होमवर्क किया होगा इस चीज के लिए, कितना मतलब जैसे एक प्री प्रोडक्शन वाली चीज होती है ना कि नागाश्विन मतलब जब बैठे होंगे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बैठे हैं ठीक है, यू इमेजिन अ मूवी राइट, कि मेरे को एक मूवी बनानी है जो साइंस फिक्शन होगी लेकिन साथ में अपने ये वाले एलिमेंट्स से भी कनेक्टेड होगी, महाभारत से भी और जो भी पीरियडिक एलिमेंट्स हैं उनके साथ में भी, तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की कोशिश करोगे? भाई मुझे गाड़ी आई ऐड एम करनी श्योर है। स्केल आपके दिमाग में बहुत बाद में आएगा, हो सकता है कि आए भी ना। मतलब तुमको ऐसी एक फ्यूचर दुनिया इन्विजन करनी है जिसमें तुम वो पास्ट के एलिमेंट्स भी इंटीग्रेट कर सको एकदम सीमलेसली। हाँ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तुमको ऐसी इन्विजन करनी है कि वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना चला जाए पावर स्केल में, और बहुत ज़्यादा नीचे भी ना रह जाए।